ये मायावती द्वारा बनाया हुआ पार्क है जो कि नदी के किनारे है दोस्तों। मायावती ने बहुत खूबसूरत पार्क बनवाया था दोस्तों अपने शासनकाल में। और ये है नर्मदा के तटीय का हाईवे, यही वो पार्क है जिसको बोलते हैं दलित पेड़ स्थल, जिसको मायावती ने कई जगह बनवाया दोस्तों अपने शासनकाल में। दोस्तों कई जगह का मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में दोस्तों कई जगह बनवाना, जो कि लोगों के लिए घूमने की एक अच्छी जगह साबित हुई। लेकिन अब इसका रख रखाव कम कर दिया गया है, जबकि शासन को इसको देखभाल करना चाहिए दोस्तों। अब इस समय पीक आवर हो चुका है दोस्तों, रोड पे आप देखते हैं जाम ही जाम देख सकते हैं दोस्तों। दोस्तों VVIP पार्क हाईवे नोएडा गेटो नोएडा एक्सप्रेसवे फ्लाईओवर पार्क रोड और फिल्म सिटी, क्या लोकेशन है दोस्तों, कितना अच्छा माहौल है दोस्तों आप देख सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को प्लीज़ 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 आप लोगों से रिक्वेस्ट है सपोर्ट करें, हम आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहते हैं। आप लोग उम्मीद करते हैं दोस्तों आप देख सकते हैं फिल्म सिटी के बगल में दोस्तों। ये नोएडा का सबसे बड़ा पार्क है, इस समय रेस लगी हुई है दोस्तों क्योंकि लोगों को छुट्टी का समय चल चुका है और लोग सनसनाते हुए अपनी गाड़ियों से निकलते जा रहे हैं दोस्तों। आप देख सकते हैं जिधर लोग रास्ता पा रहे हैं उधर से गाड़ियाँ अपनी बनाते हुए सनसनाते हुए निकल रहे हैं दोस्तों। दोस्तों ये देख सकते हैं ये मेन गेट है इस पार्क का दोस्तों, यहाँ पर टिकट लगता है जो कि 15 रुपये का टिकट है दोस्तों। आप देख सकते हैं रोड के किनारे सटा हुआ गेट है दोस्तों, और ये है एक्सप्रेस वे। इस पार्क में बहुत भीड़ होती है दोस्तों, लोग दिन भर टाइम पास करते हैं, यहाँ पर वीडियो शूट करते हैं, कई चीज़ें देखते हैं दोस्तों। दोस्तों आप लोग इस समय आ गया हूँ DND फ्लाईओवर के पास, या DND के लोग चल रहे हैं DND यानी कि नोएडा से दिल्ली को जाने के लिए फ्लाईओवर। दोस्तों आप देख सकते हैं फवारा और DND फ्लाईओवर, आप हम देख सकते हैं DND फ्लाईओवर के बाद रजनीगंधा चौक, उसके बाद आगे